2024 की मोस्ट वेटेड फिल्म में से कंगवा को लेकर मौजूदा समय में खूब लाइमलाइट देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ फिल्म के लीड हीरो हैं सूर्या और इस फिल्म के लीड विलन हैं बॉबी देओल, जिनका फिल्म में उधिरन वाला किरदार देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। अब हो ना हो, ये 2024 की मोस्ट वेटेड फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। सूर्या और बॉबी देओल के अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं दिशा पाटनी, और फिल्म के हालिया में रिलीज हुए टीजर वीडियो को देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन बॉबी देओल के खूंखार रूप को देखने के बाद अब फिल्म के लीड हीरो यानी सूर्या डरे हुए हैं, क्योंकि इतना भयानक रोल बॉबी देओल का पहली बार वो देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी डर सता रहा है कि उनकी फिल्म कंगवा का वही हाल ना हो जाए जैसा कि एनिमल के साथ हुआ था। एनिमल फिल्म 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक रही और फिल्म के लीड विलन थे बॉबी देओल। 3.5 घंटे की फिल्म में 10 से 15 मिनट का किरदार निभाने के बाद बॉबी देओल ने जो लाइमलाइट बटोरी थी वो किसी से छुपी भी नहीं रही, और फिल्म के लीड हीरो रणबीर कपूर पर भी वो भारी पड़े थे। और ऐसे ही कुछ सूर्या की आगामी फिल्म कंगवा के साथ भी हो सकता है, और इसी बात को लेकर सूर्या काफी डरे हुए हैं। जहां एक तरफ एनिमल फिल्म में बॉबी देओल का 10 से 15 मिनट का किरदार था, तो वहीं दूसरी ओर कंगवा फिल्म में वो सूर्या को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सूर्या की इस फिल्म के सबसे बड़े बादशाह बॉबी देओल ही बन जाएंगे, क्योंकि कंगवा फिल्म में सूर्या की बजाय अब बॉबी देओल को देखने के लिए फैंस अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि एनिमल फिल्म की तरह कंगवा फिल्म में भी बॉबी देओल अपनी बादशाहत ग्रे शेड वाले अवतार में कायम कर लेंगे, और इसकी शुरुआत उनकी पिछली रिलीज फिल्म एनिमल से हुई थी। एनिमल फिल्म में अपने खूंखार अंदाज से दर्शकों का दिल उन्होंने जीत लिया था, और इस फिल्म में बेमिसाल अभिनय का प्रदर्शन करने के बाद बॉबी देओल को सोशल मीडिया पर लॉर्ड बॉबी के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म एनिमल में धूम मचाने वाले बॉबी देओल ने अपने फैंस के साथ कई सारे नए लुक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसा लुक शेयर किया है जिसकी चर्चाएं इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब की जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बॉबी देओल अपनी तस्वीरों को शेयर करते रहते हैं, जिस पर फैंस अपनी तरह तरह की कमेंट करते रहते हैं। मौजूदा समय में बॉबी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म कंगवा को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं, और उनकी पिछली रिलीज फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद एक बार फिर से वो ग्रे शेड वाले अवतार में दिखाई देंगे। 350 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 2024 के मिड तक रिलीज हो सकती है। साथ ही इस फिल्म के अलावा भी वो NBK 109 और हरिहारा वीरा मल्लू को भी लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं।